फांसी की तारीख नजदीक आते आते अब चारों दोषी बेचैन और परेशान हो रहे हैं। इससे बचने का कोई ना कोई उपाय तलाश रहे हैं। इस बार निर्भया केस में दोषी पवन ने एक बार फिर कोर्ट का रुख किया है। इस बार उसने पुलिस वालों पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उसने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्होंने मुझे बेरहमी से मारा है, जिसके कारण मुझे सिर में कई गंभीर चोट लगी है। उसने कोर्ट के इन दोषी पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की गुहार लगाई है। यह दोनों पुलिस वाले मंडोली जेल में तैनात हैं। इस याचिका पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 12 मार्च को होगी। बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों को आज से ठीक 8 दिनों के बाद फांसी देने का समय कोर्ट ने तय कर रखा है। इन सभी दोषियों को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी देने का कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया हुआ है। इस कारण फांसी की तारीख नजदीक आते ही अब दोषी इससे बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। इससे पहले निर्भया के चार दोषियों में एक विनय शर्मा ने दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एक याचिका देते हुए अपनी सजाए मौत को उम्र कैद में बदलने की गुहार लगाई थी। इधर बता दें कि सभी दोषियों ने अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है। कोर्ट में दायर करने वाली क्यूरेटिव याचिका से लेकर राष्ट्रपति के पास दायर करने वाली दया याचिका इस्तेमाल कर लिया है। ऐसे में अब इसमें से किसी के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा है। दोषियों के वकील एपी सिंह ने नया पेज फंसा दिया है। उन्होंने इसमें सरकार, जेल, पुलिस सबको लपेटा है। आप भी सुनिए दोषियों के वकील एपी सिंह ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिएगा। क्या क्लू नहीं है, सब फैक्ट है, सब तथ्य है। पवन कुमार गुप्ता की तरफ से ये पिटीशन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का डुमा को यहाँ फाइल की है आज इस आशय के साथ, क्योंकि पवन कुमार गुप्ता केस जब वो मंडोली जेल में था, 14 नंबर जेल में था, वार्ड नंबर 2 में था, तो कांस्टेबल अनिल और उसके दूसरे साथी कांस्टेबल ने उसका सिर फाड़ा था, लाठियों से मारा था, चौधरी टांके आए थे और वो डॉक्यूमेंट भी छुपाए गए थे। उसके परिवार वालों से उस समय बात भी नहीं करने दी जा रही थी। बाद में जब परिवार वाले रूटीन मुलाकात पे गए, फ़ोन नहीं आ रहा था, तो वहाँ देखा इसका तो सिर फटा हुआ है, तब उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं भी जेल सुपरिटेंडेंट से मिला जाके, फिर मैं उसके बाद हर्ष विहार थाना जो लगता है उनको भी गए, वहाँ भी रिटर्न में दिया और वहाँ उनको सबको दिया। उन्होंने कहा करेंगे कार्रवाई, पहले कहा जेल सुपरिटेंडेंट का करेंगे कार्रवाई, उससे हमें नोटिस हो गए कल के लिए, कल 2 बजे अर्जेंट हियरिंग पे 2 बजे कल के लिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।